नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम सर्वसाहूनम मंगलम भगवान दंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हे परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। अपना पेज नंबर नए प्रज्ञापन में 280 आएगा क्या? चलो हाँ 79 हाँ 79 जिस प्रकार परमाणु स्वयं अपने ही बंध और मोक्ष को उचित छूटने और माने उचित माने दो अंशों का अंतर वो सब जो है ना सिस्टम उसके बता वो ऐसी रुक्षता चिकनाई रूप परिणमित होता है दूसरे परमाणु समय भी बंध दशा रूप स्वयं अपने ही परिणमित होता है। दूसरे परमाणु के साथ बंधने पर भी वो बंध रूप जो परिणाम उसके खुद में ही होता है और अन्य परमाणुओं से पृथक हो तब उस पृथक होने की अवस्था रूप भी स्वयं अपने ही परिणमित होता है। माने एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं है। स्कंद के समय भी एक एक परमाणु अपने अंत चतुष्टय में विराजमान है तो किसी परमाणु से उसे अनुमति नहीं देनी पड़ती कि भैया तुम स्कंद पहले से हो मैं भी आ जाऊं, और जो छूटता है तो उसे जाने की आज्ञा नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी पड़ती कि अपने नहीं ऐसा सिस्टम है उसका। इस प्रकार निश्चय से उस परमाणु के बंध मोक्ष में दूसरे परमाणु उसी प्रकार निश्चय ऐसे देखने पर आत्मा के बंध मोक्ष में पर की अपेक्षा नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए बंधने में और मोक्ष में दोनों स्वयं अकेला ही बंध मोक्ष के योग्य अपनी पर्याय सिद्धता या छूटता है। बंध मोक्ष के योग बंध के योग्य पर्याय क्या है कि बंध के योग पर्याय मोर आग्वेश योग्य पर्याय है समय दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणति वो छूटने के योग्य कही जाती है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र या राग द्वेष मोह ये बंधने के पर्याय कही जाती है। तो वो अपनी पर्याय के योग्य अपनी पर्याय से बंधता अथवा छूटता है। व्यवहार नए भी आत्मा को बंध मोक्ष रूप कोई दूसरा परिणित नहीं करता। क्या करता अपन क्या समझ निमित्त नहीं करता है लेकिन व्यवहार ने से उस नित्य की सापेक्षता आती है। बस इतनी बात है। परिणमित बंध और मोक्ष रूप परिणमित तो आत्मा खुद ने से कर्म आत्मा को बांधता है और कर्म आत्मा को छोड़ता है ये नहीं कहना है। क्या कहना है कि बंधने में कर्म की अपेक्षा आती है मतलब बंधने में कर्म रूप कर्म के निमित्त सद्भाव रूप निमित्त की कर्म के अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा आती है। लेकिन कर्म आत्मा बांधता है या कर्म का अभाव आत्मा को छोड़ता है कि इस बात में बिल्कुल दम नहीं है। आत्मा के बंध मोक्ष में पर निमित्तों की अपेक्षा आती है। बस इतना वो पर निमित्त की अपेक्षा आई ना
तो पर निमित्त की अपेक्षा आई को व्यवहार कहा, व्यवहार से ऐसा उसका नाम व्यवहार नहीं, समझ में गया ना ऐसा। तथापि वहां भी बंद मोक्ष रूप से आत्मा स्वयं अकेला ही परिणमित होता है, मैं पर की क्रिया करता हूं, मोक्ष दशा को करती है, ऐसा मानने वाला तो महाध्यात्म का स्वामी है। आ गया, मैं पर की क्रिया कर, दूसरा क्या कि पर वस्तु मेरी बंद और मोक्ष दशा की करता है। अब पर में कर्म भी ले लो, पर वस्तु में देव सास गुरु कुदेव आदि जो भी एक स्वयं आत्मा के अलावा कोई भी पर वस्तु, उससे मेरी बंद और मोक्ष दशा होती है कि ये मिथ्यात्व का मालिक। क्यों मालिक है मिथ्यात्व का? क्योंकि उसने दूसरे द्रव्य के साथ कि आत्मा का किसी पर द्रव्य के साथ में सच में कोई संबंध नहीं है, और संबंध नहीं होने पर भी संबंध की मान्यता भी की, इससे बड़ा मित्र तो कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम माना और दूसरी वस्तु को भी अपने अधीन बनाने की कोशिश की, अपने अपना बंद और मोक्ष उससे माना ना, तो उस वस्तु की स्वतंत्र सत्ता के अस्तित्व का नकार के स्वाधीन स्वभाव के अस्तित्व का नकार किया। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की हत्या करने वाला और जगत के पर पदार्थों के जीव है वो कौन, जिसने ये माना कि पर की क्रिया मैं कर सकता हूं या पर वस्तु मुझे बंद मोक्ष करा सकती है, बंद का करता भी नहीं है ना, बंद में भी अगर बंद का करता दूसरा मानना ही पड़ेगा कि वो छोड़ेगा तो छूटोगे फिर तो ना, तो अभाव तो सद्भाव भी निमित्त कौन निषेध कर, अभाव सद्भाव का निषेध किसने किया, लेकिन अभाव सद्भाव से आत्मा में पर्याय हुई सद्भाव, मतलब क्या कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, इसका नाम कर्म का सद्भाव, और कर्मण वर्गणा अकर्म रूप परिणमित हो गई, इसका नाम कर्म का अभाव। तो ये कर्मण वर्गणा जीव का विकार का निमित्त और उधर कर्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमना, तो उसने कुछ किया जिन्हें उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो कर्मण परिणमित होने योग्य थे कि वे परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए, और इधर उन्हें विकार नहीं किया तो उधर जिन परमाणुओं को कर्म रूप परिणमने की योग्य खत्म हो गई, माने जिनको अकर्म रूप परिणमित हो गए नहीं होते, तो कभी नष्ट नहीं होते, कर्म रूप पर्याय नष्ट होती है, परमाणु तो है उसका नाश कैसे होगा, वो आत्मा के प्रदेश जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पर रहे, दूसरी वर्गणा में वो नहीं लेकिन वहीं भी पड़ी रहे, हम कह रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आतिशबाजी होती है ना, कहते उसको पटाखा होता है ना, हाँ वो पटाखा फूट गया, अब रह गया, अब वो पड़ा वहीं पड़ा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई उसे उठा जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसा पर्याय हो गई कर्मण वर्गणा हो, हाँ बंधा हुआ का मतलब क्या, जीव और कर्म एक साथ अनंत से, एक साथ अनंत से ठीक, और अब जब मुक्त हुए जीव वो कहां जाएंगे, लोक का द्रव्य लोक में रहेगा, बाहर थोड़ी चला जाएगा, दूसरे जीव के थोड़ी जुड़ जाएंगे, वो तो दूसरे के जुड़े जुड़े उससे अपने क्या करना है, उस परमाणु जो हमारे में अकर्म रूप हुई अब उसमें दूसरे जीव के साथ कर्म रूप की योग्यता होगी तो हो जाएगी, अकर्म रूप हो जाएगी उसमें क्या फर्क है, उससे अपनी सेहत पे क्या फर्क पड़ा, सिद्धालय जहां पे है तो जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहां अनंत वर्गणा के जत्थे पड़े कि नहीं पड़े, कर्म वर्गणा माने कर्मण वर्गणा वो तो पड़ी है, सिद्ध भगवान के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप परिणमन नहीं है, अभाव तो हो गया जिनका होना था, अब वो
कहीं भी पड़ा हो भले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जहां आत्मा के प्रदेश हैं वो कहीं भी पड़े रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निमित्त नहीं संबंध का, जो संबंध की जिसको अपन व्यवहार से जिसकी सापेक्षता का जो करते थे वो सापेक्षता खत्म हो गई। हाँ तो उसे क्या दिक्कत है, जिन्होंने कहते कि एक ही झटके में कर्म का नाश कर दिया, जिनवाणी ने ये तो नहीं लिखा कि कर्मों ने मिले एक भी आत्मा का नाश किया, वगैरह के इतने ग्रंथों में कहीं ये लिखा हो कि कर्म ने मिलकर के आत्मा नाश कर दिया, ऐसा लिखा हो तो बता दो मुझे। कर्म आत्मा ने कर्म का नाश किया बाहर से ये तो कहां मिलेगा, वो भी व्यवहार से। आत्मा अपने स्वभाव में अपने स्वभाव की दृष्टि करता और अपने स्वरूप में अंतरलीनता करता है, मतलब आत्मा अपनी प्याय में खेल करे कुछ भी करना है तो वो कर्म हो चाहे कोई हो। द्रौपदी का जीवन बढ़ाया इस व्यवहार के कथन है, और सच बोलूं तो ये भक्ति में ऐसा पंडित लिखा है मोक्षमा प्रकाश, बहुत से लोग इसको उड़ाते भी हैं, ऐसी स्तुतियां बदल दो ये स्तुतियां नहीं बनाना, ये गलत है। क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने कि भगवान को, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि देखो वो के जो भी हुआ वो उनके पुण्य का उदय जिनेंद्र देव की भक्ति वगैरह से होता है, तो उपचार से रिश्तेदार के रिश्तेदार का रिश्तेदार ऐसे समझ लो, तो उपचार से कहने में आता है, कहने में आता है का मतलब व्यवहार से कहने में आता है, या कोई भी अच्छा कार्य होता है ना तो उसका श्रेय हमेशा बड़ों को दिया जाता है। ठीक है, पास हो गया श्रेय जाता, माता पिता भले अंगूठे टेको क्योंकि काय का श्रेय जाता, तू कलेक्ट किया हो तो अंगूठा टेक है, लेकिन फिर भी एक जो विनयवान बालक होगा वो श्रेय को देगा उसका माता पिता, जबकि सच्चाई क्या है उसमें, कि सच्चाई तो ये है कि उसकी मेहनत गुरुजी की, अगर देगा तो गुरुजी ने तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया था, फेल क्यों हुए बहुत से लोग, है ना। तो देखो व्यवहार के कथन, व्यवहार के कथनों को ही परमार्थ मान लेवे तो, है ना, और उसके आधार पे भगवान को करता मान ले, भगवान ने छोड़ा तो मुनि दशा में भगवान तो वस्त्र छोड़ दिए थे, फिर वस्त्र लाए कपड़े की फैक्ट्री थी भगवान के क्या था, हाँ तो वही वही तो ना, कपड़े की फैक्ट्री थी कि वहां पे किसी को लगा दिया था उनने, भगवान क्या किया कि ये बोलने में आता है पुण्य का उदय, और पुण्य के उदय में जिनेंद्र परमात्मा की आराधना निमित्त है, तो इस अपेक्षा से बोलने में जैसे एक अरे यहां नहीं है उसमें लिखा नंदी पंचविंशतिका में ऐसा लिखा, और गुरु उसमें लिखा कि जिसने मुनिराज को भक्ति प्रहार दान दिया उसने उनको मोक्ष दिया, अब करो इसका अर्थ कोई संबंध नहीं, फिर भी ऐसा कथन किया, और वो भी भावलिंगी, ये भी नहीं कह सकते अपन कि किसी एरे गेरे ने कर दिया, पद्मनंदी आचार्य भावलिंगी संत छठे सातवें गुण, क्यों व्यवहार नहीं के शास्त्र व्यवहार नहीं के प्रति, क्यों मुनिराज आहार करके विषय कसाय की साधना नहीं करते, संयम की साधना शरीर के निमित्त शरीर में शरीर के टिकने में आहार निमित्त होता है, तो इस तरह परंपरा गिन करके वो कह दिया श्राव ने उनकी दिया। अब इस कथन को ऐसे कराए उतना ज्यादा मोक्ष होगा, तो फिर मुनिराज को खूब आहार कराओ और दिन में दो बार कराओ तो दो बार मोक्ष दे दोगे, फिर तो ये क्या मतलब उसका, कि उसका मतलब ये कि मुनिराज आहार कर तो भी पाप, और उल्टा अर्थ नहीं लेना इसका, इसका होटल में जाके खाने लगना कल से कि शुद्ध आहार भी पाप है, तो फिर क्या होटल में खाओ अपने में, होटल में भी चलता है अपने को, वो तो मुमुक्षु कहलाने। प्रश्न ये कि जो मैंने शुद्ध भोजन करना भी पाप,
और मुनिराज अशुद्ध भोजन तो करते ही नहीं, मुनिराज को श्राव को चित्त शुद्ध भोजन मिलता है। मुनिराज हमने मुनिराज के निमित्त अपने लिए भोजन बनाया, उसमें से मुनिराज को आहार दिया, तो हम वही भोजन कर रहे हैं और वही भोजन हमारे यहां का दिया हुआ भोजन मुनिराज कर रहे हैं। मुनिराज वो भोजन करें तो पुण्य क्यों भैया? आप कहोगे भोजन करना पुण्य कैसे हो सकता है, 28 मूल गुणों में है, गुण पुण्य रूप है पाप रूप नहीं है। हमारे लिए तो उनको आहार देने का विकल्प पुण्य, आहार देने का विकल्प, देने का विकल्प, देने की क्रिया तो जड़ की है, वो तो देखो भसा क्रिया की ओर से आवे वहां परिणाम समझ लेना सकता। क्यों ऐसा प्रश्न ये, क्यों ऐसा क्यों के उनका आहार करने का प्रयोजन क्या है? आकर के वो कोई शरीर को पुष्ट कर स्वरूप की साधना में अगर आहार का ग्रहण नहीं करना अगर बाधक बनता है, उसके उसके उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम लगती है आहार के लिए के बाद स्वरूप की साधना में लग जाते हैं, तो उनका आहार ग्रहण करना भी स्वरूप की साधना के लिए है। और हम कितना भी शुद्ध भी भोजन करें भले ही, तो भी हम क्या करें आहार करके? अच्छा बताओ, पांच इंद्रिय के विषयों में तो लगे हृदय करते होंगे, चिंतन मनन करते होंगे, पूजा भक्ति करते होंगे, ये करते होंगे, वो करते हैं उसकी अलग बात, उसके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? आया ना, तो ए, 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 इस तरह जिनवाणी में बहुत कथन मिलेंगे। तो उसने मोक्ष ही लिया और गुरुदेव ने लिया फिर उसको बहुत खोला, गुरुदेव ने तो बहुत मजे से सराउदम प्रकाश में है, बहुत जोरदार से। तो ये आ गया कि बंद मोक्ष की करने वाला महान मिथ्यात्व का स्वामी है, परद्रव्य की क्या करता मानने वाला महान मिथ्यात्व का स्वामी, और अपने स्वाधीन धर्मों का खुद के स्व मैं तो स्वाधीन है ना, स्वाधीन तत्व को उसने पराधीन बना, भानी नहीं अपनी स्वाधीनता का भाई, अरे मैं तो अनंत अनंत स्वाधीनता का पिंड हूं, और पर वस्तु को भी वह स्वतंत्र नहीं मानता, इसे मिथ्या दृष्टि को किंचित धर्म नहीं होता, किंचित दृष्टि को क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है ना, कौन सा धर्म करेगा? समझ में ना, ये कह रहे हैं। आगे देखो, आत्मा शुद्ध चैतन्य, आत्मा कैसा? शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है, उस वस्तु में उसके अनंत धर्म एक साथ विद्यमान हैं। वस्तु को जानने वाला ज्ञान वह प्रमाण है, बराबर, और उसके धर्मों को मुख्य गौण कर जानने वाला ज्ञान उसका नाम है नय। मुख्य गौण नहीं है, वस्तु में धर्म एक साथ हैं, तो एक साथ धर्मों को जाने उसका नाम प्रमाण, और उनमें अब जब एक साथ जानने के बाद फिर एक साथ नहीं जाने, मैंने मुख्य गौण करके जाने जानेगा तो उसको नहीं जानेगा, तो ऐसे जो मुख्य गुण की व्यवस्था है उस मुख्य गुण की व्यवस्था को बोलते हैं नए। अनंत धर्म स्वरूप पूर्ण वस्तु के ज्ञान पूर्वक उस आने तो वह नए सच्चा है, पूर्ण वस्तु के ज्ञान रहित सच्चा नए नहीं होता। मतलब क्या? भाव शुद्ध ज्ञान के बिना शुद्ध ज्ञान प्रमाण सच्चा ज्ञान का, अब अनंत धर्मों का ज्ञान, तो अनंत धर्मों का ज्ञान क्या कैसे होगा भाई? अनंत गुणों का ज्ञान कैसे होगा? तो अनंत गुणों का ज्ञान तो हो नहीं सकता, हो गया ना, आत्मा की अनुभूति हुई, तो आत्मा का क्या बाकी बचा?
आत्मा नाम नहीं जानता। उससे क्या फर्क पड़ गया, स्वाद में कौन सा अंतर आ गया? पूर्वक फिर एक एक नए एक एक धर्म अभी जैसे समझो आचार्य भगवान ये सब नयों का कथन कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वानुभव से आत्मा प्रमाण किया और प्रमाण करने के बाद उन्होंने कहा कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ऐसा भगवान आत्मा और सम्यक शुद्ध ज्ञान अनंत नए उसमें है। अब फिर उन्होंने अनंत धर्मों में 47 धर्मों का वर्णन किया, तो 47 धर्मों का वर्णन किया तो एक साथ क्रम पड़ा उसमें, और जब एक धर्म का वर्णन किया तो 46 धर्म गौण थे उस समय। मान लो 47 का टारगेट रखा उन्होंने कि हम 47 धर्मों का वर्णन करेंगे, जब एक धर्म का वर्णन किया या तो एक की बात नहीं, जब एक धर्म का वर्णन कर रहे हैं तो 46 गौण है, और अनुभूति में अनुभूति में ज्ञान में सब एक नहीं ऐसे। इस प्रकार साधक कोई नए होते हैं। यहां 44-45वें नयों में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार से आत्मा की बंद निरपेक्ष का ज्ञान कराया व्यवहार से, ठीक है, निरपेक्ष का ज्ञान कराया कैसे, निश्चय नहीं से। एक आत्मा में बंद मोक्ष में एक आत्मा को बंद मोक्ष में कर्म की अपेक्षा आवे, मोक्ष में कर्म की अपेक्षा बिना हो, इस प्रकार भिन्न भिन्न दो आत्माओं के धर्मों की यह बात नहीं कि भाई एक आत्मा तो ऐसा जिसे बंद और मोक्ष में कर्म की अपेक्षा आई नहीं, के बंद और मोक्ष कर्म आत्मा और मोक्ष में कर्म की अपेक्षा आई, कहते ऐसे नहीं है। एक ही आत्मा में बंद और मोक्ष में कर्म की सापेक्षता से बात, बंद और मोक्ष में कर्म के निरपेक्षता से बात कर रहे हैं, आगे समझ में। इसका नाम व्यवहार और निश्चय है, दो अलग अलग आत्माओं के धर्म नहीं है ये, नहीं नहीं है, बल्कि दोनों आत्माओं पर दोनों नए लगेंगे, यानी सभी आत्माओं पर, सभी ज्ञानी आत्माओं पर सभी नए लगेंगे ऐसा। किंतु एक ही आत्मा में ऐसे दो धर्म एक साथ हैं कि व्यवहार नए से वह बंद मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है, और निश्चय नए में निश्चय नए से बंद मोक्ष प्रमाण के विषय रूप वस्तु का वर्णन है। ध्यान से सुनना, प्रमाण विषय रूप वस्तु का वर्णन है, इसलिए आत्मा की अवस्था में बंधन होता है, वह भी आत्मा गुरुदेव के समय सार में जब वर्णन है शक्तियों का, तो वहां पर डंके की चोट ये बात कहते हैं कि यहां मलिनता की बात है, यहां मलिनता की बात नहीं है, तो क्यों, तो उसका खुलासा करते हैं कि यहां दृष्टि शक्तिवान आत्मा को जाना, तो शक्तिवान आत्मा को जानने पर शक्ति का परिणमन किसे कहना, मलिनता को शक्ति का परिणमन कहना, पहलवानी की पहलवानी किसे कहना, ठीक है ना, पहलवानी की पहलवान की पहलवानी किसे कहना, चार से पिट के आया हो या पीट के आया हो, और समझ लो राष्ट्रपति के द्वारा वो बहुत सारी कुश्तियां उसने लड़ी, ऐसा तो नहीं एकदम पीटने वाला बन गया, पहले पिटा भी होगा, नहीं पिटा होगा, पहले पिटा भी तो होगा, वो क्या पीटने वाला बना, वीर चक्र उसको मिलने वाला है, राष्ट्रपति चक्र देंगे तो उसके लिए बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे दो शब्द, तो उसकी उपलब्धियों को गिनाएंगे या उसकी अनुपलब्धियों को गिनाएंगे, ये बताओ कि ये वहां पे गए थे साहब लड़ने के लिए और हमने देखा कि इनकी क्या हालत हुई, बेचारे के दांत टूटते टूटते बचे थे, ऐसा प्रतिपादन आएगा, ऐसा आएगा कि तुम वीर चक्र दे रहे हो, इसको कौन सा चक्र दे रहे हो ये बताओ पहले, तो
बात। लेकिन वो घटना उस प्रसंग में चर्चा के योग्य नहीं है। इसी तरह आत्मा की पर्याय में विकार नहीं है, ठीक है। ये नए नए अगर नहीं होता तो फिर नए हो राग का कर्ता भोक्ता की बात क्यों करती है? नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन जब शक्ति का आत्मा की शक्ति की चर्चा करें तो उसमें विकार की चर्चा नहीं होगी। चल रहा है घर में किसी के विवाह का प्रसंग, घर में मरे नहीं है लोग, तो उनकी चर्चा करते हैं उस समय कि भैया हमारे यहां इतने इतने लोग, युगल जी दृष्टांत देते थे बाबू जी, करे रोन बात नहीं कर रहा हूं, उस समय उनकी चर्चा भी करे कि इतने इतने लोग अपने घर में मरे, हम देखते देखते इतने इतने लोग मरे और वो लड़का लड़की शादी की बेदी करे तो क्या बोलेंगे उसको, कैसा मूर्ख है ये, इसमें इतनी अकल नहीं है कि किस प्रसंग पर हाँ तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, वो लोग उसको मतलब गौण कर देते, ढक देते हैं, फेरा होने के बाद बताएंगे ऐसा। और तुम शक्तियों की चर्चा कर रहे हो, शक्तियों की बात कर रहे हो कि शक्तियों के में विकार की चर्चा नहीं होगी और धर्मों के प्रकरण में विकार की चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि उस विकार को भी उस समय आत्मा ने धारण किया में, विकार और निर्विकार दोनों की होगी और श्रद्धा प्रदान शैली में विकार की चर्चा नहीं होगी। इसलिए समय सार में शक्तियों के वर्णन में विकारी पर्याय को शक्ति का परिणाम, निर्विकारी दोनों रूप धर्म लिया नहीं लिया, बंध का धर्म धर्म लिया कि नहीं, व्यवहार नहीं में बंध का धर्म लिया नहीं लिया, बंध मोक्ष निश्चय में बंध मोक्ष सापेक्षता, हाँ इसलिए इसलिए धर्म जो धारण करे तब तक है। कहीं पर वस्तु के कारण वह बंधन नहीं है, वह बंधन होने रूप धर्म आत्मा के आ गया, किंतु बंद होने के क्षणिक पर्याय के आश्रित वह धर्म है, और जब बंद खत्म हो जाएगा ना वह धर्म भी खत्म, ठीक है ऐसा। इसलिए दूर होकर शुद्ध द्रव्य के आश्रय मोक्ष की योग्यता होने पर सिद्ध दशा में उस बंधन होने रूप धर्म का अभाव हो जाता है, 47 वो नए भी खत्म हो जाएगा, नए का भी अभाव। यह मुख्यतया ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाण के विषय रूप वस्तु को जानने से भी त्रिकाली शुद्ध द्रव्य स्वभाव की ओर ही जाता है। तो अब इसमें देखो प्रमाण में भी दो तरह के प्रमाण की चर्चा आएगी, एक प्रमाण तो यह आएगा कि द्रव्य तो द्रव्य गुण और विकारी अविकारी है, एक तो प्रमाण यह आएगा, इसको इसको भी बोलेंगे प्रमाण। तो ये प्रमाण में इस प्रमाण में क्या हुआ कि इस प्रमाण में अत्यंत कर दिया और अपने विकारी अविकारी पर्यायों सहित, और वो पर्याय विकारी अविकारी पर्याय की बात नहीं करें, वो कहेंगे द्रव्य द्रव्य ऐसा है में विकार है, ये तो अपन भाषा बोलते हैं, लेकिन पाय में विकार मतलब द्रव्य ही उस विकार को परिणमित हुआ है। क्यों? क्योंकि उस काल में जिस समय वो विकार की पर्याय के साथ तन्मय है, तन्मय नहीं, और उस समय तन्मय होने पर भी द्रव्य ने अपना एक रूप भाव छोड़ा नहीं, ये कैसी विचित्र बात है। जिनवाणी बोलेगी और दूसरा कि द्रव्य पर्याय तो निर्मल पर्याय वो पर्याय, मलिन पर्याय वो पाई नहीं मेरी, यहां भी द्रव्य पर्याय को प्रमाण, यहां भी द्रव्य पर्याय रूप दोनों अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टिकोण में अंतर है, एक में ज्ञान प्रधान शैली और एक में श्रद्धा प्रधान शैली है, ठीक है। लेकिन ज्ञान
देखो पर द्रव्य, पर द्रव्य के पर द्रव्य की पर्याय, इसका तो आत्मा में सर्वता अभाव है, चाहे किसी शैली से बात की हो, सर्वता अभाव ज्ञान का अभाव। अब जब ये द्रव्य ये प्रमाण के विषय को जाने तो उस ज्ञान का बल त्रिकाली शुद्ध द्रव्य स्वभाव की ओर ही जाता है। जाता है क्या मतलब, ये जो विकारी पर्याय है, देखो दो बातें कि ये तो पक्का, इसमें तो कोई किसली भी नहीं है, है ना, लेकिन विकारी पर्याय भी सच में आत्मा को सिद्ध करती है। क्यों कि किसी के रोटी गया, समझ लो दूध जल जाता है ना, वो भगवानी के नीचे चेंट जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं दूध जल गया, तो जला हुआ दूध किस बात को सिद्ध कर रहा है कि इसके घर में जली हुई रोटी इस को सिद्ध कर रही है कि इसके घर में आटा है। क्यों, क्योंकि आटा नहीं होता तो रोटी बनती कि नहीं बनती, लेकिन जलती भी नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया, को सिद्ध करती है, लेकिन आत्मा नहीं हो तो राग भी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ में राग नहीं होता। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो विकारी पर्याय भी आत्मा को, क्योंकि जहां आत्मा हो राग भी वहीं होता है, भले आत्मा से नहीं होता लेकिन होता वहीं है जहां आत्मा हो। आत्मा ना हो और राग हो जाए ऐसा तीन काल में नहीं होता, आत्मा ना नहीं होता, इसलिए मिथ्या दर्शन भी आत्मा के अस्तित्व को प्रसिद्ध कर रहा है, भले वो उल्टा बोल रहा है, लेकिन उल्टा बोल भाई उल्टा बोल रहा है, तभी तो उल्टा बोल उसके लिए तो वो अपने को तो कह रहे तेरा जोर उधर जाना चाहिए, तेरा तो स्वभाव की तरफ चला जाना चाहिए, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वस्तु का त्रिकाली शुद्ध स्वभाव और क्षणिक अशुद्धता, इन दोनों को जानने वाला ज्ञान क्या करेगा, क्षणिक अशुद्धता में ही न अटक कर महिमा करके उसमें एकाग्र होता है। ये ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान में इतना विवेक है, ज्ञान में इतना विवेक नहीं है, इतना विवेक तो है, है? धर्मात्मक वस्तु को जानने वाले की दृष्टि शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर ही होती है, यदि ऐसी दृष्टि न हो तो उसे वस्तु का ज्ञान ऐसा नहीं होवे, तो बंद मोक्ष में आत्मा अकेला ही है। अभी कह रहे क्या कह रहे लास्ट में कि बंद मोक्ष में आत्मा अकेला ही है, ऐसा जाने तो और अपने अनंत धर्म अपने में ही है, बाहर से नहीं, ऐसा जानकर दृष्टि करे किसी भी पर्दे के कारण वह आत्मा को बंद मोक्ष होना न माने, बंधा भी में अपने से, छूटा भी में अपने, आत्मा अपने बंद मोक्ष में की अपेक्षा रूप द्वैत का अनुसरण नहीं करता, निश्चय से व्यवहार से अनुसरण कहा जाता है, अद्वैत का अनुसरण ही बंद मोक्ष रूप प्रणमित होता है, बराबर कर्म का निमित्त है, इसलिए जीव को बंधन हुआ, प्रश्नवाचक खड़ा किया, इसलिए कर्म छूटे इसलिए जीव की मुक्ति हुई, कहते नहीं, कर्म की पर्याय कर्म में, जीव की पर्याय जीव में, कितने प्रतिशत, 100%, 100% जीव का जीव में, कोई कहे थोड़ा बहुत मिला लो, ये थोड़ा कुछ प्रतिशत जीव के ज्यादा रख लो, कर्म के कम रख लो, लेकिन थोड़ा तो इसको कुछ, भाई हम थोड़ा क्यों दें,
समझ में है कि नहीं है, जिनको पूरा जीव का दें 100% में से 100 दें, तो 1% भी कर्म का क्यों रखें, और हम 1% भी जीव का कर्म। जीव स्वयं अपनी पर्याय में विकार रूप परिणत हुआ इसलिए बंधन हुआ, और जीव स्वयं अपनी पर्याय में मोक्ष रूप परिणत हुआ है ना, इसमें झंझट कहां है। अपनी पर्याय में विकार रूप परिणमित हुआ तो बंधन हुआ, अपनी पर्याय में मुक्त रूप परिणमित हुआ, निर्विकार रूप परिणमित हुआ, मोक्ष रूप परिणमित हुआ तो मुक्त। नैसे बंध मोक्ष में आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, दूसरे किसी का साथ सहयोग अपेक्षा आत्मा को रंच मात्र भी द्वैत बनानी है, अर्थात उसमें पर की अपेक्षा नहीं है। ऐसा होने पर भी व्यवहार न से आत्मा की बंद के संयोग वियोग की जो अपेक्षा है उसका भी साधक को ज्ञान है। क्यों? क्योंकि निमित्त ज्ञान साधक को होता है ना, कर्म के सद्भाव अभाव की क्या सत द्रव्य लक्षणम, ये सूत्र लिखे ना, तो हर द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है और वो तभी सत है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पाद वे करे, द्रव्य में तो कोई चक्कर नहीं किसी को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पाद वे करे तो सत का सतपना क्या रहा, क्योंकि सत तो कहते ही उसे हैं जो उत्पाद वे द्रव्य युक्त हो, खत्म हो जाएगा। आ गया सर्व शून्यत्व का प्रसंग आएगा, अभाव हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य मिल जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर साधक को ज्ञान होता है, क्योंकि साधक जानता है कि मेरा उपादान है, सामने ये निमित्त है, तो उसको अपने उपादान का यथार्थ ज्ञान होता है ना, तो सामने निमित्त का भी उसको यथार्थ ज्ञान होता है, उसका भी साधक को ज्ञान है। यह बात 44वें नए में सिद्ध की। इस प्रकार यहां 45वें निश्चय नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। निश्चय व्यवहार नहीं आया, और उसके बाद ये कौन सा नहीं आया कि ये निश्चय नहीं, ये 45वां नहीं हुआ। अभी अपने पास दो नए बचे हैं, अपन उन नयों की आज परिभाषा खाली पढ़ेंगे और उसके बाद चर्चा उसकी बाद में करेंगे। एक है अशुद्ध नय, अशुद्ध नय, और उसके सामने रखा उन्होंने शुद्ध नय, बराबर। अशुद्ध नय के बाद में रखा शुद्ध नय, तो अशुद्ध नय और शुद्ध नय में क्या अंतर है जरा देखिए। देखो आत्मद्रव्य अशुद्ध नय से, आत्मद्रव्य अशुद्ध नय से घट और राम पात्र से विशिष्ट। घट कहो, घट है, राम पात्र है, से विशिष्ट मिट्टी मात्र की भांति सौपाधिक स्वभाव वाला है। यह हुआ शुद्ध नय से, अशुद्ध नहीं से आत्मा का कथन। क्योंकि मैंने क्या मतलब, आत्म मिट्टी को राम पात्र और घट की सापेक्षता से देखना, देखना वो मिट्टी की पर्याय है ना, लेकिन उसकी सापेक्षता से देखना कहते ये अशुद्ध नहीं। और शुद्ध नहीं क्या है, तो आत्म द्रव्य शुद्ध नहीं से केवल मिट्टी मात्र की भांति निरूपाधि स्वभाव वाला है। मैंने आप उसमें 10 तरह के मिट्टी के बर्तन रखे हैं, अब 10 तरह के मिट्टी के बर्तन में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, मिट्टी दिखाई दे रही। एक उदाहरण आता है, तो कोई आदमी हो और वो मैंने उसकी परिस्थिति खराब हो गई, तो उसने उसके घर में एक मंदिर था, किसका मंदिर था, गणपति का, उसकी सवारी किसकी होती है, चूहे की, ठीक है। अभी दोनों सोने का, दोनों सोने प्योर सोने के बने हुए, चूहा भी सोने का, गणपति भी सोने का। अब वो गया एक स्वर्णकार के पास, सर्राप के पास गया, तो भाई साहब मेरे को ये बेचना है, क्या करना है, बेचना है, ठीक है, जो भी भाव चल रहा है। उसने बता दिया भाई इस भाव मिलेगा और खोट होगी, उसका पैसा कटेगा,
तो उसने कहा साहब आप तो बिल्कुल ही, आप में अकल ही नहीं कुछ। क्या मतलब? कि भाई साहब ये गणपति हैं, ये चूहा है, कुछ तो रेट में फर्क करो। क्या कहा? कुछ तो रेट में फर्क करो। तो कहते भाई साहब मैं ना तो गणपति खरीद रहा हूं, ना तो मैं चूहा खरीद रहा हूं, मैं क्या खरीद रहा हूं, मैं सोना खरीद रहा हूं। मुझे इसमें कौन है, क्या डिजाइन है, क्या आकार प्रकार है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी होता है ना, ये डॉक्टर मना करे ना शुगर वालों को, आपके शुगर नहीं खाना, तो अभी वो पूछे साहब मैं गुलाब जामुन खा सकता हूं, नहीं खा सकता हूं, रसगुल्ला तो खा सकता हूं ना, और भी 10-5 मिठाई के नाम बतावे। तो एक बार डॉक्टर भाई नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, फिर जब ज्यादा वो 2-5 और चीजों के नाम बतावे तो डॉक्टर झल्ला जाता है, और डॉक्टर कहता है मौत को सिराने रख ले, फिर चाहे जो खा लेना। क्यों बोलता है ऐसा? आपने तो शुगर का मना किया, तो ये सब क्या है? ये गुलाब जामुन है, ये फलाना है, ये फलाना है। इनसे तुम इन अवस्थाओं को देख रहे हो और हम उसमें एक अवस्था ही देख रहे हैं। अवस्था को देखना अशुद्ध ने और अवस्थाई को देखना शुद्ध ने, वह इतना अंतर है। सोचो जरा, लगा लेना इसमें सब आ गया ना। ये जो दो नए है ना, ये थोड़ा इसमें गुरुदेव ने जो प्रवचन सुधा 11वां भाग आया ना थोड़ा बाद में, वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रवचन वाला, उसमें थोड़ा सा और विशेष अर्थ किया है। तो अपन नए प्रज्ञापन की बजाय उसमें से वो अर्थ देखेंगे, तो वो अपन कल चर्चा करेंगे उसकी।